आज है मीडिया एग्जीबिशन का दूसरा दिन और हम आ गए हैं शकुंतलम हॉल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आज लगी हुई है पोर्टफोलियो एग्जीबिशन, यानी फाइनल ईयर वालों के 3 साल का बाय खाता, जिनमें उन्होंने 3 साल में क्या क्या काम किए हैं वो आज यहाँ डिस्प्ले किए जा रहे हैं। आइए और दिखाते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर त्रिपाठी है एंड मैं यहाँ पे जो मेरा मेन थीम है वो एडिटिंग पार्ट एंड एंकरिंग पार्ट है, बट साथ साथ मेरा जो फोटोग्राफी का पैशन है वो भी शो कर रहा हूँ एंड कंटेंट राइटिंग भी मेरा पैशन है। हम यहाँ पे ना अपना ना बेस्ट चीज दिखाने वाले हैं। आई एम एक्सपर्टीज ऑन द कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग होती क्या है बेसिकली, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्लॉगिंग पे आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हो, आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो तो उसके डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिख सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग या कैंपेनिंग कर रहे हो तो उसमें जो आपकी टैगलाइंस होती हैं, आपका कैंपेन नेम होता है, उसको आप कैसे कर सकते हो। तो मेरा बेसिकली कंटेंट राइटिंग में ये काम है। मैंने सभी बच्चों का काम देखा, सभी बच्चों ने एक से बढ़ के एक काम किया हुआ, मतलब इतना उन्होंने डेकोरेशन करी है, अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, वो एक मतलब एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर रहे हैं अपने काम को। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा बच्चों ने काम किया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखकर कि जो 3 साल का आउटकम है वो कुछ इस तरह का है, और काफ़ी अच्छा लगता है जानकर कि जब सीनियर्स ऐसी तरक्की करते हैं तो हमें भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि आगे चल के हम भी कुछ इस तरह का ही करेंगे। और देखो, मीडिया पोर्टफोलियो जो स्टूडेंट्स ने आज एग्जीबिशन लगाई है, बहुत अच्छा काम किया है, क्रिएटिव काम है, सभी ने बहुत अच्छे मॉडल तैयार किए हैं। ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मीडिया स्टूडेंट ना हट के काम कर रहे हैं ना, और डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ, दे ऑल हैव क्रिएटिव माइंड एंड आगे भी ऐसे ही काम करते रहे, और डेफिनेटली एक हमारा जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी है उसका नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बच्चे।